हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आए हैं लिलोरी स्थान देखने के लिए, माँ लिलोरी मंदिर जो कि झारखंड राज्य का धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो चलिए देखते हैं इस मंदिर को। यह है मंदिर का एरिया का मार्केट, तो बहुत ही बड़ा मार्केट लगता है यहाँ पर, देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर शादी भी होता है, जोड़ों का। ये भी धर्मशाला देख सकते हैं, बहुत सारे धर्मशाला है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं सबसे ख़राब चाट यहाँ पर मिलता है, चाहिए अगर आप लोगों को खाने का दिल करे तो आ सकते हैं। सबसे ख़राब चाट यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो ये है उसका मार्केट, तो बहुत ही बड़ा मार्केट लगता है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग। इस मार्केट में आपको सभी पूजा की सामग्री मिल जाएगी, उसके बाद आप लोग आगे मंदिर की ओर जा सकते हैं। ये है दोस्तों मंदिर का रास्ता, देख सकते हैं यहाँ पर सभी पूजा की सामग्री आप लोगों को मिल जाएगी। तो माँ लिलोरी स्थान जो कि एक काली मंदिर ही है, माता काली का ही मंदिर है ये, उनको लिलोरी और कल्याणेश्वरी बहुत सारे नाम है माता काली का। तो ये देख सकते हैं मार्केट इधर लगा हुआ, ये है मंदिर, माँ लिलोरी का मंदिर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये मंदिर धनबाद डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही फेमस मंदिर है, माँ लिलोरी स्थान। बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए माता का, और हर साल 250 से 300 जोड़ों का यहाँ पर शादी हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों का मस्ती भी देख सकते हैं, छोटे छोटे कार में बैठे हुए हैं और घूम रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों का भी खेलने का और मस्ती करने का भी ये सब सुविधा मिल जाएगा, इसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद रिमोट कंट्रोल से ये गाड़ी चलेगी और बच्चे घूमेंगे चारों ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं ये मंदिर। ज़्यादा बड़ा तो मंदिर नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत ही फेमस मंदिर है ये। तो चलिए आगे देखते हैं, इधर मार्केट ही मार्केट लगा हुआ है, पूरा बड़ा मार्केट है इधर। तो दोस्तों इस मंदिर का इतिहास की बात अगर करें तो ये मंदिर 800 साल पुराना बताया जाता है, और राजा सुजन सिंह ने इस मंदिर की स्थापना की है। जो कि पहले दोस्तों इधर पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया जंगल का एरिया था, उसके बाद इसको अच्छा से साफ सफाई करके इस मंदिर का निर्माण कराया गया, राजा सुजन सिंह ने स्थापना किया है इस मंदिर का। तो दोस्तों ये पूरा जो एरिया है ये कतरास नाम है इस जगह का, और ये कतरास पहले राजा महाराजाओं का इलाका था। तो कतरासगढ़ के राजा सुजन सिंह ने यहीं पे माता की मूर्ति स्थापित की थी, देख सकते हैं श्री श्री नीलकंठ वासिनी माता मंदिर, माँ लिलोरी स्थान। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं, माता का दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी करवाते हैं दर्शन। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, देखते हैं, कोशिश तो करेंगे ज़रूर कि दर्शन हो पाए। ये पंडित जी देख सकते हैं यहाँ पर, और भीड़ देख सकते हैं आप लोग, भीड़ कितने ज़्यादा भीड़ है दोस्तों श्रद्धालुओं का। छोटा छोटा दोस्तों दरवाज़ा है, देख सकते हैं इतना छोटा सा दरवाज़ा में कैसे लोग प्रवेश करेंगे। ये पंडित जी हैं, पंडित जी को लोग प्रसादी दे दे रहे हैं, और अंदर से वो प्रसादी माता को चढ़ा करके श्रद्धालुगण को दे दे रहे हैं। तो चलिए इधर का भी घूम लेते हैं थोड़ा पूरा एरिया, देख सकते हैं यहाँ पर बकरों का बलि, यहाँ पर हर दिन बकरों का बलि किया जाता है। तो ये दोस्तों ये कल्याणेश्वरी मंदिर, काली मंदिर, माँ लिलोरी मंदिर सब एक ही है, माता काली का ही ये मंदिर है। नाम अलग अलग है लेकिन माता काली का ही ये मंदिर है। तो दोस्तों अभी शादी का सीज़न चल रहा है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है इस मंदिर में। तो देख सकते हैं छोटा सा दरवाज़ा है इधर बाहर का रास्ता, ये यहाँ पर अगरबत्तियों का ढेर लगा हुआ है, और एक छोटा सा अंदर में दोस्तों। एक तो गर्मी का मौसम दोस्तों, और ऊपर से अभी बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं, देख सकते हैं कितना छोटा सा एरिया में कितने ज़्यादा लोग आ गए हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं इधर दोस्तों एक प्रवेश द्वार भी है, इधर भी दो प्रवेश द्वार है, एक इधर से भी है, और इधर जिधर से हम अंदर आए थे तो दो प्रवेश द्वार है, जा सकते हैं अंदर आ सकते हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर भी फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालुगण जितने हैं। और ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर तीन तीन छोटा छोटा रास्ता बनाया गया है, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पर भी एक मंदिर है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा दोस्तों भीड़ है। और ये दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर है, चलिए उसको भी दिखाएंगे दोस्तों। ये माँ लिलोरी स्थान है दोस्तों, एक लिलोरी पीठ नाम से भी एक मंदिर है धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर बकरों का बलि होता है, बहुत ज़्यादा बलि हो चुका है यहाँ पर। तो काली माता का मंदिर है तो ये सब तो होना आम बात है दोस्तों, यहाँ पर रोज़ बलि होता है। और ये देख सकते हैं आप लोग, दर्शन कर लीजिए।
तो इस तरह का यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भी मंदिर बनाया गया है और इधर देख सकते हैं पूरा एरिया, तो आगे नहीं दिखाएंगे दोस्तों, उधर देखने लायक नहीं है। दर्शन कर लीजिए उसके बाद फिर आगे चलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे पुरुष द्वार, उधर महिला द्वार है और अंदर आप लोग देख सकते हैं गुफा जैसा लग रहा है दोस्तों। फिर भी लोग अंदर जाने का कोशिश तो कर रहे हैं ताकि दर्शन कर पाएँ। तो चलिए अब हम लोग बाहर चलते हैं और बाहर में भी का नज़ारा देखते हैं और बाहर में क्या 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 कुछ है देखने लायक, वो सब भी देखते हैं दोस्तों। बाहर में उधर दोस्तों आगे में एक नदी है, कतरी नदी नाम है उस नदी का, चलिए उसको भी दिखाने का कोशिश करेंगे इस ब्लॉग में। तो बने रहिए ब्लॉग में, कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए अब उस नदी की ओर जहाँ पर लोग नहाते हैं और उसके बाद इधर पूजा करने के लिए आते हैं, कतरी नदी नाम है उस नदी का। तो चलिए नदी भी देख लीजिए आप लोग, इस रास्ते से आगे एक नदी है जहाँ पर श्रद्धालुगण नहाते हैं, उसके बाद फिर माता का पूजा करते हैं। ये है रास्ता दोस्तों, एक छोटा सा नदी जैसा है जो आगे तक जाएगी, दामोदर नदी से मिलती है ये नदी, कतरी नदी। तो देख सकते हैं यहाँ पर, आगे तो नहीं जाएंगे ज़्यादा, तो देख सकते हैं ये नदी है कतरी नदी, यहीं पर नहाते हैं श्रद्धालुगण, उसके बाद फिर जाते हैं मंदिर की ओर। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं मंदिर की ओर। तो दोस्तों ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, तो आप लोग आ सकते हैं दर्शन के लिए। तो दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें।